हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। तो आज हम 26 मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, एडिटोरियल्स और जो जो इम्पोर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के लिए उसी को हमने सिर्फ यहाँ रखा है ताकि आपका समय भी बचे और उन सब खबरों पे, उन न्यूज़ पे आप फोकस कर पाए और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जो भी न्यूज़ आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की है यहाँ पर। या हमारा अलग से कोई वीडियो है तो उसको हमने लिंक दे दिया है ताकि आप उस न्यूज़ को पूरी तरह से समझ पाए और आपका जो वो कंप्लीट हो जाए एडिटोरियल, और आज का करंट अफेयर्स मैं कहूँ तो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जो भी हमारा न्यूज़ है आपका हिंदू न्यूज पेपर जो है वो पूरा तरह से कवर हो जाएगा आपका, और उसका आप नोट्स जो है साथ ही साथ में बना सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप उसका नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं जैसा भी आप ठीक समझे तो। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, जिस पे भी आप एक्टिव हैं उस पे आप दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप जो ये न्यूज़ जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है, ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है, एस्पिरेंट जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। भाई फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका है, ओवर 13 लैक्स इवेक्यूएटेड एज यास रेसेस टुवार्ड्स ओडिशा कोस्ट लाइन। तो ये यास तूफान के बारे में हम देख रहे हैं अभी, जो बेसिकली आज एक्सपेक्टेड इसका लैंडफॉल, मतलब कि ये जमीन से टकराएगा, समुद्र तट से टकराएगा। स्पीड तकरीबन 165 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रहने की अनुमान है जब ये लैंडफॉल होगा इसका। इसमें बेसिकली दो स्टेट ज़्यादा हिट होंगे, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा से ये बेसिकली जो है आफ्टर मॉर्निंग में, ये बेसिकली उम्मीद की जा रही है यहाँ पर, ये मॉर्निंग आफ्टरनून में ये टकराएगा यहाँ पर। तो ये जो बेसिकली न्यूज़ है इसको मैंने रखा कि डिजास्टर, एक तो हमने पहले भी हमने देखा डिजास्टर करके, जीएस पेपर 3 में जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो इसमें ये प्री डिजास्टर में क्या क्या किया जाता है ये हमने कल भी देखा, बाकी ये 2 दिन पहले हम देख रहे थे गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया है उसको आप प्री डिजास्टर में लिख सकते हैं कि कैसे हम उस डिजास्टर को से लड़ सकते हैं, कैजुअलिटी हम कम कर सकते हैं। तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट से हम जो है बेसिकली कैजुअलिटीज को, डिजास्टर का जो इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने बेसिकली एक तो पहला सबसे होगा वार्निंग, हमें सही वार्निंग मिलनी चाहिए कि किस समय वो, जैसे साइक्लोन में हम कर सकते हैं, अर्थक्वेक में हम नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों में हम नहीं कर सकते वार्निंग। तो जिसमें वार्निंग हम यूज कर सकते हैं तो उसको वार्निंग, हमें प्रीवियस वार्निंग मिल जाने से हमें पता रहता है भाई कब आने वाला, किस समय होगा, कितनी स्पीड होगी, किस एरिया में इफेक्ट करेगा। इसके अलावा प्री डिजास्टर में से यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है, जो लोग समुद्र तट पे उसको इवेक्यूएट किया, उनको शेल्टर में पहुंचाया गया, ये आपका प्री डिजास्टर आप लिख सकते हैं। या उसके अलावा एयरपोर्ट जैसे आपने शटडाउन कर दिया फ्लाइट्स ताकि लोग जान माल का नुकसान नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, फ्लाइट्स में प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये सब बेसिकली गवर्नमेंट मेजर ले, जैसे वहाँ पे लोगों को है ना अनाउंसमेंट करना लोगों को कि आप घर से बाहर ना निकले एक दिन, जो भी आपका है आप सामान वामान सब अपने इकट्ठा कर ले, मेडिकल रिलीफ जो भी यहाँ पर देख रहे हैं आप, रिलीफ मटेरियल जो है वो गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया, अपना कैंप बना लिया, डाइविंग टीम ऑलरेडी है, शिप्स और एयरक्राफ्ट स्टैंड बाई पर रखा हुआ आपने कि कुछ इनकेस ना होता है तो उसमें हम वहाँ पर उनको रेस्क्यू कर सके लोगों को। ये सारा कुछ जो है प्री डिजास्टर में आप जो आंसर में लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग इस केस स्टडी को देते हुए कि कैसे इंडिया ने साइक्लोन को, जैसे अभी तौते आया था आपका वेस्टर्न अरेबियन सी में, अभी ये जो आपका साइक्लोन है तो इसको कैसे गवर्नमेंट डील कर रही है, क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो इस केस स्टडी को देते हुए आप प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का आंसर में लिख सकते हैं कि क्या क्या हमें प्री डिजास्टर में करने की जरूरत है, और सजेशंस भी अपना दे सकते हैं जो आने इस साइक्लोन के बाद हम देखते हैं बहुत बार, तो उसको हम सजेशंस में भी लिख सकते हैं कि कैसे हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। उसी पे दूसरा जो एक आर्टिकल है नेक्स्ट 8 पेज पर है, बे ऑफ बंगाल फॉर्मेंटिंग यास हॉटर देन नॉर्मल फोर्स फॉर सीजन। ये बेसिकली जो है साइक्लोन क्यों इतना बढ़ रहा है, इसका हम अलग से वीडियो भी है। बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है डेवलप करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, तो कंडीशन जैसे आपका मैं कुछ बताया था मोटा मोटी, एक तो है आपका सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर जो है आपका ये ग्रेटर देन आपका तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट बोलो 26-27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जैसे आपका हो गया कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए आपका, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये बेसिकली अर्थ रोटेशन के कारण जो है हवाएं जो है रोटेट करती है तो उसका कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तीसरा आपका हो गया कन्वर्जेंस होना चाहिए, कन्वर्जेंस जोन होना चाहिए वहां पर। चौथा हो गया अपर एयर में डाइवर्जेंस होना चाहिए आपका, डाइवर्जेंस होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है कुछ कुछ कंडीशंस है, और डिटेल में हमारा हमारा वीडियो जो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेजेज में फॉर्म होता है साइक्लोन, कैसे एक पहला स्टेज में फिर मैच्योर होता है, फिर वो आगे बढ़ता है, तो सब चीजों को आपको साइक्लोन काफी अभी को कि तौते आया था उसको लेकर के मैंने बताया था, तो इस पे भी एप्लीकेबल है, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें, उस चीजों को पढ़ें।
साइक्लोन एक ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशंस उसकी होती है, नेमिंग कैसे होता है, और कैसे हम साइक्लोन का नाम यास हो गया, किसी साइक्लोन का नाम तौते कैसे हो गया, तो ये सब चीजें आपको जो जानने की जरूरत है। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ज्यादा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जो है वार्मर हो रहा है बेसिकली, एटलीस्ट 2 डिग्री वार्मर देन व्हाट इज नॉर्मल फॉर दिस टाइम ऑफ ईयर। इसी कारण से बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल ज्यादातर यहाँ पे गर्म है, नॉर्थ बे जो है आपका एक्सेप्शनली वार्म विद टेम्परेचर अप टू 32 डिग्री सेल्सियस, तो इस कारण से बेसिकली जो ज्यादा यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, यहाँ पर वार्मिंग ज्यादा है, तो इस कारण से साइक्लोन और ज्यादा डेवलप हो रहा है। बाकी कंडीशंस भी हैं तो सब साथ में मिलकर के जो एक्सटेंस ये जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के कैटेगरी में आ रहा है। एक और बात है आपकी, कैटेगरी जो आप साइक्लोन की होती है वो स्पीड के बेसिस पे होती है। सबसे ऊपर में जो कैटेगरी होती है आपका हाईएस्ट जो होता है सुपर साइक्लोन का कैटेगरी होता है, जैसे कि हमने अम्फान को देखा था लास्ट ईयर, ये तकरीबन आपका 220 आई थिंक किलोमीटर पर आवर से ज्यादा अगर है तो उसको हम सुपर साइक्लोन कहेंगे। उसके बाद ग्रेडिंग है, इसका भी हमारा वीडियो में डिटेल है, कल भी मैंने बताया था इसको। तो ये आपका कैटेगरी, इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा जा रहा है जब ये लैंडफॉल करने के में रहेगा। तो फेरोसियस एंड कॉज सिग्निफिकेंट डिवास्टेशन, अम्फान की उन्होंने बात की है, ये अम्फान साइक्लोन था स्ट्रॉन्गेस्ट था स्ट्रॉन्ग, जब उसके पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट इसका स्ट्रॉन्ग सुपर साइक्लोन आया था वो 1999 में आया था, उसके बाद सेकंड जो अम्फान आया था आपका पिछले साल। तो साइक्लोन में नॉट अनएक्सपेक्टेड इन मे, तो जनरली मे में आता ही है ये, बेसिकली ओशियन सरफेस टेम्परेचर के कारण ज्यादातर ये देखने को मिलता है। और ये फेवरेबल होता है कि मानसून, इसके बाद जो मानसून जो आएगा वो अच्छा मानसून आएगा अंडमान में, और सब्सिक्वेंटली केरला में जो मानसून आएगा हमारे यहाँ, और अनुमान किया जाता है कि वो अच्छा मानसून आएगा साइक्लोन के बाद। इसके बाद अब हम देखें तो अरेबियन सी में भी जो है बेसिकली साइक्लोन्स काफी बढ़ गए हैं, जो यूजुअली आते थे उससे एवरेज से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका भी क्या कारण है, मेनली वही कारण आपका ओशियन सी सरफेस टेम्परेचर और जो वहां पर क्लोजिंग है बेसिकली, जो रिवर कम जा रहे हैं वहां पर, तो उस सब कारणों से बेसिकली वहां पर मिली सरफेस टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां पर ज्यादा साइक्लोन देखने को मिल रहा है। तो ये आपको बहुत जानने की जरूरत है, साइक्लोन कैसे इफेक्ट होता है, क्या क्या उसकी कंडीशन उसको चाहिए। तो वीडियो को आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको वीडियो को आप जरूर डिटेल में देखें। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है फ्रंट पेज पर, एससी निक्से सीबीआई पिटिशन फॉर कस्टडी ऑफ टीएमसी लीडर्स। तो बेसिकली सीबीआई ने जो है नाडा केस में सुप्रीम कोर्ट मूव की थी कि भाई जो टीएमसी कुछ लीडर्स जो उनको अभी हाउस अरेस्ट में रखा गया तो उनको अरेस्ट किया जाए, सीबीआई कस्टडी दी जाए। इसका उन्होंने हवाला दिया था बेसिकली कि जो एलिज थ्रेट, जो बेसिकली कि वहां पर वेस्ट बंगाल में सीएम और बाकी इन्होंने धरना दिया था, वहाँ सीज ऑफ एंड धरना प्रीमाइस, उन सीबीआई के एजेंसी के प्रीमाइस में धरना दिया गया, वहां पे लोग वहाँ पुलिस ऑफिसर को तकलीफ हुई, ये सब चीजों देख करके। तो इसमें जो जानने की जरूरत है कि कोर्ट ने कहा कि भाई एक के कारण हम दूसरे के राइट्स को हम हैम्पर नहीं कर सकते हैं। कैसे, तो वेस्ट बंगाल के सीएम या जो भी उन्होंने जो प्रोटेस्टर थे उनके एक्शन के कारण हम जो टीएमसी जो लीडर्स जो अरेस्ट आपने कर रखा है उसके उसका भी कुछ राइट्स है, उसको हम हैम्पर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा, उनका अपना राइट है और इनका अपना राइट, इनका अलग अपना एक्शन है, इस एक्शन को आप दूसरे से लिंक नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने की जरूरत है कि एक अरेस्ट पर्सन का भी कुछ राइट्स है, राइट दी राइट ऑफ द एक्यूज, जो एक्यूज है उसको उसका भी कुछ राइट्स है और उसको आप किसी दूसरे से लिंक नहीं कर सकते हैं ना। बट इफ सम चीफ मिनिस्टर मिस्टर लॉन्ग ने है शुड द एक्यूज सफर, ये उनका कि क्या एक्यूज को सफर करना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी और पार्टी किसी और चीज ने किया है, कोई एक्शन है, उससे आप एक्यूज को कैसे आप लिंक कर सकते हैं। वी डू नॉट लाइक टू मिक्स इश्यूज ऑफ लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स विथ वॉट एवर इलीगल एक्ट्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप एक एक्शन को दूसरे से लिंक ना करें, जो राइट ऑफ एक्यूज का भी कुछ राइट्स है जिसको कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये आपका बेसिकली जीएस पेपर 2 में बहुत बार जो है जुडिशियरी राइट्स के बारे में जो पूछा जाता है उसमें आप इन चीज़ों को अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है न्यू आईटी रूल्स कम इनटू फोर्स टुडे विद कंप्लाई सेज फेसबुक। तो ये बेसिकली जो नए आईटी रूल्स जो है फरवरी में बेसिकली नोटिफाई हुआ था फरवरी मार्च में, तो 3 महीने के बाद इसको जो है 3 महीने का टाइम दिया गया था, उसके बाद आज से ये आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक तरह से फोर्स में आ रहा है। तो इसको लेकर के कही जा रही है कि हम फेसबुक का ऐसे कमेंट है कि हम इसको फॉलो करेंगे। ये रूल क्या है बेसिकली, द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ये नया रूल है जो आज से इफेक्ट में आ गया है। तो बेसिकली जो है कंपनियों को है ना इसे प्रोटेक्शन देना, बेसिकली आपको जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मेनली ये रूल जो है हमने पहले भी कवर किया था जब आपका ये रूल नोटिफाई हुआ था,
तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। मेनली आपके लिए रूल जानने की जरूरत है, ये कंप्लाई नॉन कंप्लाई तो हम बाद में देख लेंगे क्या होता है, एक्शन उस पर क्या होता है। तो न्यू आईटी रूल जो है ये, इसका नाम जैसे हमने देखा इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल, इसका ये नाम है। ये ब्रॉडली जो डील करता है सोशल मीडिया से, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो गया, और ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आपका जो अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये जो है, तो इन सबसे ये डील करता है ब्रॉडली। पहले ये जो है एम्बिट में नहीं थे, इनके ऊपर कुछ वैसे रेगुलेशंस नहीं था। पहले तो मिनिस्ट्री ने पिछले साल कुछ रेगुलेशंस लेके आई थी, उसके बाद एक कॉमन रूल जो है यहाँ पर बनाया गया। तो ये किस पावर के अंदर बनाया, 87(2) ऑफ आईटी एक्ट के अंदर में, और पिछला गाइडलाइन था उसको सुपरसीड किया गया, मतलब अब ये गाइडलाइन वैलिड नहीं है, अब ये गाइडलाइन ही आगे से वैलिड रहेगी। तो मोटा मोटी इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये आईटी रूल क्या है, पिक्चोरियल हमने लिया है ऑनलाइन। तो न्यू आईटी रूल्स क्या है बेसिकली, इसमें दो पार्ट है जैसे हमने देखा, एक तो सोशल मीडिया के लिए पार्ट है, दूसरा है डिजिटल मीडिया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए पार्ट है। सोशल मीडिया के लिए पार्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी, कौन देखेगी, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसे मीटी कहा जाता है आपको। और सोशल डिजिटल मीडिया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जो रूल है उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि ये बेसिकली टीवी, अमेजन प्राइम से नेटफ्लिक्स है, तो टीवी मीडिया जो हो गया उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग देखेगी। तो ये पार्ट टू में है, पार्ट थ्री में बेसिकली इसको आपको जानने की जरूरत नहीं। पार्ट टू, पार्ट थ्री, इसमें जो सोशल मीडिया में क्या किया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में। जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, जो बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स है जिसे एक तरह से कर सकते हैं आप, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट मतलब जिनका यूजर बेस ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा यूजर बेस है, उसको सिग्निफिकेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, और जो नॉर्मल है उसको 50 लाख से कम है उसको नॉर्मल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ही रखा गया है। तो रूल्स जो दोनों को, दोनों पे एप्लीकेबल है, मैं सोशल मीडिया सिग्निफिकेंट पे भी। ड्यू डिलिजेंस मतलब कि आपको जो है देखना होगा कि ना, जो भी आपको गाइडलाइन दी जाए उसको, आपको कुछ मीडिया जो पोस्ट कर रहा है उसको आपको देखना होगा खुद से कि वो सही है कि नहीं है। कुछ न्यूड पिक्चर या कुछ वैसा कुछ आपने चाहे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ पोस्ट नहीं है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होते, कोई ग्रीवांस आपके यहाँ आता है, कंप्लेन आता है, तो आपको उसको कुछ टाइम लिमिट इसमें दिया गया है, उसके अंदर आपको उसको रिजॉल्व करना है। ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है, और डिग्निटी ऑफ यूजर्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी। तो मान लीजिए जैसे किसी का को ऐसा आपको देखना है कि किसी का प्राइवेट जो पार्ट है उसका कोई फोटो नहीं लगा दे, कोई मॉफ्ट इमेज, कोई सेक्सुअल एक्ट को पोस्ट नहीं कर दे किसी दूसरे पर्सन का, अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, उसको हटाना होगा। इसके अलावा सिग्निफिकेंट के लिए कुछ अलग से गाइडलाइन दिया गया, एडिशनल रूल बताया गया इनके लिए, क्योंकि इनकी यूजर बेस ज्यादा है। एक आपको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, अपॉइंट करना होगा, नोडल ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन रखना पड़ेगा जो कि मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट कर पाए। अपॉइंट रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर में, तो यहाँ पर जो पोस्टेड हो यहीं पर हो, ऐसा नहीं यूएस में बैठा हो। मंथली कंप्लायंस आपको रिपोर्ट पब्लिश करना है, देना है। फर्स्ट ऑरिजिनेटर, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो है आपका कोई मैसेज है गवर्नमेंट को लगता है कि ये वायलेंट मैसेज है, सोशल नॉर्म्स का अलग है, सही नहीं, रूल के खिलाफ है, सॉवरिनिटी के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर को वायलेट कर रहा है, तो उस मैसेज में आपका ऑरिजिनेटर को भी आपको ट्रेस करके बताना होगा गवर्नमेंट को कि यह मैसेज ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है। ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि भाई व्हाट्सएप या फेसबुक जो बोलता है कि हम जो है हमारा इन टू इंड सब्सक्रिप्शन इंक्रिप्शन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी यूजर ने क्या मैसेज किया, कैसे कब मैसेज किया। ये कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं आपका ऑफिस जो है सिर्फ यूएसए में हो, यहाँ पर भी आपका एक एड्रेस होना चाहिए। वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, वॉलंटरी आप यूजर को वेरीफाई कीजिए। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू द यूजर और रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन, अगर गवर्नमेंट बोलती है तो, या फिर कोई कोर्ट बोलता है तो। ये सिग्निफिकेंट के लिए स्पेशल रूल कुछ बनाए गए हैं, बाकी जनरली जो है आपको ग्रीवांस रिड्रेसल आपको करना है, और जो ड्यू डिलिजेंस अगर आप नहीं करते हैं इसको फॉलो, तो आपको जो है सेफ हार्बर एक तरह से दिया जाता है कि ना आईटी एक्ट में, कि भाई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटरमीडिएट को हम टच नहीं करेंगे, आपको लीगली नहीं करना है। तो अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो आपको लीगली आपको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, आपका जो बैन किया जा सकता है, ऐसा कुछ। अब बात आते हैं मीडिया को लेकर के। तो न्यूज पब्लिशर, डिजिटल न्यूज पब्लिशर हो गया एक ओटीटी प्लेटफॉर्म। डिजिटल न्यूज पब्लिशर जैसे कि बहुत सारे आप देखते होंगे आजकल, जो फिजिकल न्यूज़पेपर तो है ही, साथ ही साथ डिजिटल न्यूज़पेपर बहुत सारे आ गए हैं जिनका कि फिजिकल कुछ नहीं है, डिजिटली वो आपका ऑनलाइन वेबसाइट है जिसपे, या फिर ऐप है जिसपे वो न्यूज पब्लिश करते हैं, एडिटोरियल्स पब्लिश करते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट गाइडलाइन लेके आई है, नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट कोड आपको कंडक्ट आपको फॉलो करना, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया ऑलरेडी।
प्रोग्राम कोड जो केबल टीवी रेगुलेशन के अंदर में, उसको भी आपको देखना होगा, और प्रोहिबिटेड कंटेंट नॉट टू बी ट्रांसमिटेड। तो बेसिकली ब्रॉडली है कि आपको जो जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी कोड्स हैं उसको, या टीवी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करने हैं, आप पे भी लागू होगा जो अभी तक लागू नहीं था। ओटीटी के लिए क्या किया गया, सेल्फ क्लासिफिकेशन कंटेंट, जो आपका कंटेंट है उसको क्लासिफाई आपका लिए कुछ से ये कि मान लीजिए एडल्ट कंटेंट है तो उसको आप इसमें डाल दीजिए ए में, 16 प्लस है, 13 प्लस है, क्या है, तो उसको आपको ये कंटेंट, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं बेसिकली क्या होता है, यूए होता है कि आपका हो गया एक तो एडल्ट कंटेंट होता है, आपका स्पेशलाइज कंटेंट होता है, तो ये सब इसमें भी इन्होंने लागू कर दिया है। थ्री टीयर होना चाहिए डेवेंस डीएसएल का। लेवल वन सेल्फ रेगुलेट आप कर रहे हैं, जो भी अमेजन प्राइम या जो भी है नेटफ्लिक्स, सेल्फ आप रेगुलेट कर रहे हैं उस चीज़ को। एक बॉडी होनी चाहिए जो मान लीजिए जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो अपना एक बॉडी बना ले, ओवरसाइट मैकेनिज्म। तीसरा गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट मतलब लेके आएगी इसको, को ओवरसाइट कैसे करेंगे हम, इंप्लीमेंट पेरेंटल लॉक्स फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज यूए 13 प्लस और हाइयर। तो ये अगर ऐसा कोई कंटेंट है तो उसमें पेरेंटल लॉक का आप सिस्टम डालिए, ताकि जो है जो सब्सक्रिप्शन मान लीजिए वो पेरेंट्स चाहे तो उसको लॉक कर सके कि बच्चे उनके नहीं देखे। रिलायबल एज वेरिफिकेशन प्रोसेस भी आप उसमें स्टार्ट कीजिए, कंटेंट क्लासिफाइड एडल्ट कंटेंट है तो उसमें आप एज वेरीफाई प्रोसेस डालिए, ताकि आप देख सके कि जो भी एडल्ट है वही उसको देख रहा है। जैसे कि सिनेमा में क्या होता है, आप आईडी कार्ड देख सकते हैं, उसी तरह से डिस्प्ले कंटेंट डिस्क्रिप्टर एडवाइजरी आपको देना कंटेंट का डिस्कशन के बारे में, नॉट टू शो प्रोहिबिटेड कंटेंट। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली एक ओवरऑल जो है ओवरसाइट देखने की कोशिश है कि जो भी मीडियाज हैं, ऑनलाइन मीडियाज जो हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, पब्लिशिंग हो, हाउस हो, उन पे एक रेगुलेशन के एम्बिट में लाने की जरूरत है। ये पहले रेगुलेशन में एम्बिट में नहीं थे तो इसको ना लाने की कोशिश नहीं, और ये ऑलरेडी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कुछ था, आईटी रूल्स थे, बट उसको और थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है। तो ये था फ्रेंड्स अभी तक का, ये अब एडिटोरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कर दे, और ना कमेंट सेक्शन में लिखे और आपको क्या जानकारी चाहिए, कौन सा आपको वीडियो, अगर कोई न्यूज आपका हमारा छूट गया हो तो उसको हम कवर करेंगे आपका। तो ये एडिटोरियल पहला जो है वन स्टेट सॉल्यूशन द वे फॉरवर्ड इन फिलिस्तीन, तो ये बेसिकली जो है टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कही जाती है हमेशा। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है कि भाई जो फिलिस्तीन को पार्टीशन करके दो पार्ट में, एक इजराइल के लिए और दूसरा इंडिजिनियस पॉपुलेशन फिलिस्तीन, तो इसको उन्होंने क्रिटिसाइज बेसिकली बोला कि वो सही सॉल्यूशन नहीं है, और पूरा हिस्ट्री बताइए इसकी जो आप मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल जो है बेसिकली शायद ही आपका एग्जाम है, ऑल हिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा भी होगा इसको। तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट जो इनका अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा आपका जो पढ़ाई है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको जानने की जरूरत नहीं। बेसिकली आपको जानना जो क्या है कि इंडिया का क्या पॉलिसी है वेस्ट एशिया को लेकर के, इसराइल को लेकर के, जो हमने देखा थोड़ा दिन पहले 2017 में बेसिकली वो चेंज हो गया था, हमने ईस्ट जेरूसलम को जो है मेंशन हम नहीं कर रहे हैं। तो पहले क्या पॉलिसी थी, अभी क्या पॉलिसी है, इसराइल के साथ रिलेशन क्या है हमारा, वो सब चीज़ें आपको जानने की जरूरत है इंडियन पर्सपेक्टिव से। ये जो बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ये आपको यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑस्लो अकॉर्ड की बात की गई है, ये जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था आपका ऑस्लो अकॉर्ड था, आपका ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ जिसके बाद पार्टीशन हुआ आपका, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है कि क्या क्या था ये सब, तो ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल स्लोइंग द पेस ऑफ इंडियाज माइकोसिस थ्रेड, माइकोसिस थ्रेड, तो ये बेसिकली जो है डिजीज है ब्लैक फंगस जिसे हम कहते हैं, तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका बेसिकली इन्होंने एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के थ्रू भी बहुत कुछ बताया इसमें। तो पहले तो ये बेसिकली जो नोटिफाइड डिजीज कर दिया गया, इससे क्या हुआ कि आपको जितने भी केसेस आ रहे हैं सस्पेक्टेड केसेस, तो प्राइवेट हेल्थ अथॉरिटीज हो, जो भी हो हॉस्पिटल्स हो, उसको रिपोर्ट करना होगा, इससे गवर्नमेंट के पास सही डेटा होगा और गवर्नमेंट जो उसको सही तरीके से इलाज कर पाएगी। मान लीजिए मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको बेच सकती है और उसका इलाज सही से कर सकती है, ये फायदा है नोटिफाइबल डिजीज का। और इस एक और फायदा क्या है इसका कि गाइडलाइंस जो ICMR या जो भी स्टेट गाइडलाइन बनाएगी कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है वो आपको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाएगा नोटिफाइबल डिजीज के केस में, ठीक है। ये एक फायदा है नोटिफाइबल डिजीज का जो गवर्नमेंट ने इसमें स्टेप लिया है। तो ये बताएं पहले जो एस्टिमेटेड बर्डन जो है तकरीबन 14 per 1 lakh है था बेसिकली, तो काफी बढ़ गया अभी, कारण हम सब जानते हैं, हमने पहले भी न्यूज में देखा है, ये ट्रांसमिटेबल डिजीज नहीं, मतलब ट्रांसमिट नहीं हो सकता एक से दूसरे पर्सन में, जैसे कोविड है आपका इन्फेक्शन है फैल सकता है, वो ऐसा इसमें नहीं है। कारण क्या है बेसिकली सबसे बड़ा कारण जो है कॉमन कारण जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, आपका डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल है,
दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ सब कैंसर, स्टेरॉइड, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और एंड सॉलिड ऑर्गन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये जो सीरियस जो आपने कुछ ट्रीटमेंट हुआ है जिसके कारण आपका इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और आपको डायबिटीज है, इस ये बेसिकली मेजर कारण माना जा रहा है इस डिजीज के इतने बढ़ने का। ये कहाँ इन्फेक्ट करता है, साइट्स क्या है इसका, तो राइनो सेरेब्रल इन्वायरमेंट मतलब कि नोज पे, साइनस, आईज, ब्रेन, इसको बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है, इन्फेक्ट करता है। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, फंगस कैन काउज निमोनिया आल्सो। ये बेसिकली जो है इसका इन्फेक्शन साइट है बॉडी में। तो पीपल विद डायबिटीज इंक्रीज टू 65 मिलियन। तो बेसिकली बताया है कि इंडिया में जो है डायबिटीज काफी ज्यादा है, 20 साल से प्लस एज का भी हम देखें तो इंक्रीज टू 7.7% 2016, 5.5% था 1990 में, और ये बढ़ के 16 के बाद अपना 7.7% लोगों में डायबिटीज देखा गया जो 20 साल से ज्यादा के उम्र के हैं। जेनेटिक ससेसिबिलिटी भी है कि जेनेटिकली भी डायबिटीज जो है लोगों में बढ़ रहा है इंडिया में केस में। तो ये मेजर जो रीजन है जो इस डिजीज का, कि डायबिटिक पर्सन को ज्यादा ये इन्फेक्ट कर रहा है। तो सार्स कोविड जो है इसमें क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज कैन पोटेंशियली मल्टीप्लाई एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज कर सकता है। स्टेरॉइड जो है बेसिकली बहुत बार दिया जाता है ट्रीटमेंट में बिकॉज इट लोअर द डेथ रेट, क्योंकि ये इन्फेक्ट देखा गया है स्टेरॉइड जो है कोविड के केस में डेथ रेट को कम करने में और इलाज इफेक्टिव करने में काफी कारगर हुए हैं। लेकिन ये बेसिकली रिड्यूस इम्यूनिटी जो है रिड्यूस कर देते हैं डायबिटिक पर्सन में, ब्लड शुगर लेवल जो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है स्टेरॉइड के यूज के कारण। बिसाइड कॉजिंग रिड्यूस इम्यूनिटी लेवल, स्टेरॉइड कैन ऑल्सो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो ये दोनों चीजों के कारण डायबिटिक पर्सन में स्पेशली ये जो है डिजीज देखने को मिल रहा है कि उनका इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण फंगस जो है बेसिकली ये इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को। तो वेरी हाई मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी ज्यादा, डेथ रेट काफी अच्छा है, आपका डेथ रेट ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, टीम अप्रोच चाहिए, मतलब कि अलग अलग फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उसके साथ मिलकर इसको इलाज करने की जरूरत है। और ये इंडिया में अगर हम देखें तो स्पेशली बहुत सारे एरियाज में जो है लिमिटेड मेडिकल, जहाँ मेडिकल एक्सेस नहीं है, स्पेशली रूरल एरिया की बात करें या सेमी रूरल की या सेमी अर्बन की, तो वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल जो आपको कम मिलेंगे तो वहाँ पे इसका इलाज कर पाना और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सिंगल जो है एक स्ट्रीम का ये बात नहीं है। ड्रग्स भी कम है एंड लिमिटेड है, जैसे कि उन्होंने बताया एम्फोटेरिसिन बी, ये बेसिकली गवर्नमेंट जो इंजेक्शन दे रही है इसका प्राइस हाई है आपका। दूसरे कुछ ड्रग्स है जिसके टॉक्सिक है आपका, तो ये सब बेसिकली आपको जानने की जरूरत है इतना। ये मेडिसिन का आप समझ सकते हैं नाम जो हमने पहले भी देखा है। तो रिकवरिंग सर्टेनली गोइंग टू अ चैलेंज टू परफॉर्म डिलीवरिंग सर्जरी, सर्जरी बहुत बार करनी पड़ रही है। तो हमें करने की क्या जरूरत है, व्हाट और क्या कर सकते हैं हम। तो पहली बात, स्टेरॉइड यूज अगर घर पे कर रहे हैं आप, अगर सजेशन है तो सुपरविजन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर में ही करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हो उसको ही, उसके मॉनिटरिंग में, उसका सुपरविजन में ही आप स्टेरॉइड का यूज करें। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना स्टेरॉइड के साथ साथ आपका बहुत ही क्रूशियल है। मॉनिटरिंग ऑफ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज इसेंशियल, इफ हाई ब्लड शुगर्स आर इनकाउंटर्ड टेली कंसल्टेशन आप कीजिए, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कीजिए। हेल्थ अथॉरिटी में कंसीडर अरेंजिंग फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स एट होम ऑन स्टेरॉइड, तो ये भी कर सकती है स्टेट अथॉरिटी जो है कि ब्लड ग्लूकोज का मॉनिटरिंग भी देखे जो लोग होम क्वारंटीन में हैं जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं। तो उसके अलावा एक और जरूरी चीज, रिपोर्ट सिम्टम्स अगर कोई आपको आता है इस डिजीज का तो आप अर्लीस्ट जो उसको रिपोर्ट करें हेल्थ अथॉरिटीज को। जैसे कि सिम्टम्स क्या क्या है, फेस स्वेलिंग हो गया एक साइड में, प्रोस्ट्रेशन ऑन द आईबॉल, आईबॉल के साइड साइड में आपका हो गया, न्यू ऑनसेट ऑफ विजुअल डिस्टर्बेंस, हेडेक, वॉमिटिंग, तो ये सब चीजें अगर आपको दिखती है तो आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द आपका इलाज हो सके। ट्रेनिंग देने की जरूरत है हमें जो आशा या बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, ताकि अवेयरनेस वो रेज कर सके इस डिजीज के अगेंस्ट में रूरल एरिया में और हिंटरलैंड सेमी रूरल एरिया में। विल ऑल्सो लीड टू राइज इन द अदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सेटिंग द यूज ऑफ मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, तो ये भी है बेसिकली हॉस्पिटल को कि इनकी इन्फेक्शन इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, हो सकता है हॉस्पिटल में उनको और जो हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन बहुत बार होता है वो भी हो सकता है, तो इसमें मल्टीपल एंटीबायोटिक्स का यूज भी जरूरी हो जाएगा ऐसे केसेज में। तो अलार्मिंग इंक्रीज इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इससे क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक अगर आप देंगे अनकंट्रोल तो उसमें हो सकता है आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी लोगों में डेवलप हो सके, हो जाए, जो आगे चल के और जो इम्पैक्ट कर सकता है और ज्यादा तो इम्पैक्ट कर सकता है उनके लाइफ को। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली कि आप जो है कोई ड्रग आपको दिया जा रहा है, कोई दवाई आपको दी जा रही है तो उससे आपका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये था दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल में मूव करते हैं।
नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल है कैलिब्रेटेड क्लोजर, ये बेसिकली जो है कोविड को लेकर के ही है। एक तो लॉकडाउन देखा जा रहा है बेसिकली, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है लॉकडाउन शुड बी प्रिसाइज एंड पेनलेस होना चाहिए। तो पहला तो इन्होंने वैक्सीन का वेरिएंट्स का देखा है कि नॉट मच क्लैरिटी ऑन द फ्यूचर थ्रेट्स, फ्यूचर थ्रेट्स पे कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे देखा जा रहा है कि जो इंडियन एक तरह से जो इंडिया में डोमिनेंट वेरिएंट है आपका B.1.617, इसके भी 3 सब टाइप्स है, और इसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंसिंग है 1.6.7.2, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन 50% मोर ट्रांसमिनेबल है। तो इस पर कोई रोड मैप नहीं, आगे कैसे वैक्सीन अवेलेबिलिटी कैसी होगी, इसका इससे हम कैसे डील करेंगे, इम्पोर्ट्स नहीं है, वेग एश्योरेंस ऑफ डोमेस्टिक रैंप अप सप्लाई, तो गवर्नमेंट बोली कि हम रैंप अप करेंगे सप्लाई जो है बेसिकली जुलाई तक में बढ़ जाएगी, ज्यादा वैक्सीन डोजेज अवेलेबल रहेंगे, इसका कुछ क्लियर कट जो है प्लान नहीं है, एश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं अभी, पर ये सही में होगा कि नहीं होगा ये देखने की बात है। तो तमिलनाडु में भी चीफ मिनिस्टर कहा था कि लॉकडाउन जो सॉल्यूशन नहीं है एंड कम्स विद ओन इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स दैट हिट द वर्किंग क्लास पुअर हार्डेस्ट। ये हम जानते हैं बेसिकली कि लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमिक वर्किंग क्लास है, स्पेशली पुअर वर्किंग क्लास, उनको सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो जरूरत क्या है अभी, पेंडेमिक पॉलिसी रिसेट दैट रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इंसाइट, तो ऐसा पॉलिसी जो कि साइंटिफिक स्टेक होल्डर से बात करके करे, इनकरे सेफ पब्लिक बिहेवियर थ्रू परसुएसिव कम्युनिकेशंस मॉनिटरिंग एंड इम्पोर्टेंटली इनकॉर्पोरेट मेडिकल इंटरवेंशन ऑफ स्केल। तो ये बेसिकली हमें करने की जरूरत है कि भाई एक तो पॉलिसी बनाइए आप साइंटिफिक एक्सपर्ट से व्यू लेकर के, इनकरेज पब्लिक बिहेवियर जो है वो सही होना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन आप पता ही मॉनिटरिंग कीजिए लोगों की पब्लिक बिहेवियर जो है कोविड को लेकर के, जो पब्लिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए वो सही है कि नहीं है, और मेडिकल इंटरवेंशन जो दवाइयाँ चाहिए वैक्सीन चाहिए वो हम अवेलेबल रखा है। वैक्सीन का उन्होंने कहा बेसिकली जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो उतना नहीं है। यहाँ पे भी बताया गया, ब्रिटेन में भी स्टडी हुई थी, उसमें देखा गया कि 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड जो है 60% प्रोटेक्शन दे सकते हैं इस वायरस, डोमिनेंट वायरस हमारे यहाँ है ये वाला, इसके अगेंस्ट में जो 60% ये प्रोटेक्शन मिल रहा है कोविशील्ड के 2 डोजेज के बाद, एक सिंगल डोज के नहीं 2 डोजेज के बाद। तो इसीलिए सेकेंड डोज जो है अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें 12 से 6 16 हफ्ते बाद आप करें, तो यहाँ पे सजेशन इन्होंने दिया कि 8 हफ्ते बाद ही इसको दिया जाना चाहिए इस स्टडी के बाद। तो क्लियरली मेजर टू शट डाउन एवरीडे एक्टिविटी लीड्स टू फियर एंड पैनिक, जो हम फियर और पैनिक होता है ऑब्वियस बात, जैसे तमिलनाडु में भी जो कहा गवर्नमेंट ने कहा कि हम लॉकडाउन को इंटेंसिफाई करेंगे और ज्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, तो इसमें बहुत सारा लोग पैनिक होकर के बाहर निकले क्लॉथिंग शॉप में जो जो उस दिन खुला हुआ था कि हम आज ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये सब बेसिकली देखने की जरूरत है कि पैनिक किससे हो सकता है। गोल्डन मीन वुड बी टू शट ऑल अननेसेसरी शॉप, इनकरेज रिमोट ट्रांजेक्शन, ओपन स्ट्रीट सेल्स एंड होम डिलीवरीज, ये हमें करने की जरूरत है। जो भी अननेसेसरी शॉप है उसको बंद कर दीजिए, रिमोट ट्रांजेक्शन हो जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाए, ओपन स्ट्रीट में आप बेचिए सामान जाकर कि वो हवा वेंटिलेशन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और होम डिलीवरीज को किया जाना चाहिए। तो ये सजेशंस है, यहाँ पर कुछ हमने देखा सजेशंस यहाँ पे थे, और कुछ ऊपर हमने देखा लॉकडाउन का स्पेसिफिक और कोविड पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है रूल्स एंड रूलर्स, तो ये बेसिकली जो है सोशल मीडिया जो रूल अभी हमने देखा फ्रंट पेज पर उसी को लेकर के है कि नया रूल जो आया है फरवरी में इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे मैंने कहा 3 महीने बाद आज से उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, इफेक्ट में आ रहा है। तो ये वही चीज है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एक्टिविटीज टू एडहेयर टू ए वाइसली टाइटर सेट ऑफ रूल्स विद इन 3 मंथ्स विच एंडेड ऑन May 25th। तो ये मई बीच इसको खत्म हो गया ये टाइम पीरियड, अब आज से जो है ये इफेक्ट में आ गया है। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, नोडल ऑफिसर टू कोऑर्डिनेट विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो कोऑर्डिनेट कर सके, जैसे CBI हो गया, पुलिस हो गया, उनके साथ ग्रेवांस ऑफिसर्स। अनदर रूल रिक्वायर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स टू ट्रेस प्रॉब्लमेटिक मैसेज टू ओरिजिनेटर। तो ये जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर आपको ट्रेस करना है जो कि इनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन, इनका जो सर्विस है वो इन टू इन इनक्रिप्टेड है, तो क्या ये कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे ये देखने की बात है। तो ये बेसिकली इसके क्रिटिसिज्म क्या है इसका कि भाई आपने जो नॉर्मली आप जो एक्सिक्यूटिव रूल्स निकाला है, लेजिस्लेटिव एक्शन आपने लेजिस्लेशन के थ्रू आपको रूल्स को लाना चाहिए था, मतलब पार्लियामेंट में पास करा के आपको ये नए नियम को लाने चाहिए थे। तो ये बेसिकली है यहाँ पर, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया इसको। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वैक्सीनेशन ही जरा ओनली वेपन, तो ये फिर वैक्सीनेशन को लेकर के है कि वैक्सीनेशन को हमें और बढ़ाने की जरूरत है, वही एक ऑलरेडी ओनली वेपन है।
यहाँ पे इलेक्शन का ऐसे एग्जाम्पल दिया कि अगर इलेक्शन हम 5 साल में इतना बड़ा इलेक्शन करा सकते हैं, 610 मिलियन इंडियंस वोट कर सकते हैं 1 मिलियन पुलिस स्टेशन पे, तो हम वैक्सीनेशन कैसे नहीं करा सकते हैं 5 हफ्ते के अंदर। इंडिया नीड्स टू वैक्सीनेट 75% ऑफ पॉपुलेशन इन 5 वीक्स नॉट 5 मंथ। ये उन्होंने कहा कि 5 हफ्ते में हमें उनको वैक्सीनेट कराना चाहिए, ना कि 5 महीने में। अभी का अगर हम डेटा देखें तो सिर्फ 10.9% पॉपुलेशन जो है इनको एक डोज मिला है, और सिर्फ 4% पॉपुलेशन जो फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं जिनको 2 डोज मिला है इंडिया में, तो अभी काफी कम है। तो इंडिया को बेसिकली नॉट जस्ट प्रोडक्शन बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एटलीस्ट 14.4 मिलियन वैक्सीन पर डे। तो इंडिया को बेसिकली 2.1 मिलियन डोजेस तो चाहिए ही होंगे, साथ ही साथ हर दिन तकरीबन 14 मिलियन 14.5 मिलियन डोज आपको जो डोज लगाना होगा, जो कि इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर हम अभी देखें तो तकरीबन 3 मिलियन तक ही हम पहुंच पाए हैं, 3 से 4 मिलियन अभी जो फिगर है, तकरीबन हमारा डेली जो है ऑन एन एवरेज 1.5 मिलियन लोगों को हम वैक्सीन कर पा रहे हैं। तो 14 मिलियन कर पाना एक मुश्किल टास्क है जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इसके अलावा स्प्रेडिंग वायरस म्यूटेट, द ओनली वे टू होस्ट कैन ब्रेक। तो वैसे हम जानते हैं कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो इसको साइकिल को कभी हम ब्रेक कर सकते हैं, जबकि जो होस्ट किसी इंसान में अगर वायरस जाता है तो न्यूट्रलाइज करते वहीं पर। ये कब होगा? इम्यूनिटी के थ्रू ही होगा। इम्यूनिटी 2 तरह से हो सकती है, या तो नेचुरली आप इन्फेक्टेड हुए हैं, आपका इम्यूनिटी डेवलप हुआ, आप ठीक हो गए, दूसरा वैक्सीन इंड्यूस्ड, वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी डेवलप करना। तो ये 2 कारण है, तो हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है कि कैसे हम इम्यूनिटी को ज्यादा ज्यादा लोगों में रखें, ताकि जो है बेसिकली वायरस फैल ना सके। अनवैक्सीनेटेड अंडर वैक्सीनेटेड द वायरस इज स्प्रेडिंग रिप्लीकेटिंग म्यूटेटिंग। तो अगर कोई अनवैक्सीनेटेड है या अंडर वैक्सीनेटेड, एक डोज मिला है, फुली वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है, तो उससे वायरस स्प्रेड कर सकता है, रिप्लीकेट कर सकता है, म्यूटेट हो सकता है। हाइयर पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वेव की बात कही जा रही है, आगे की वेव की बात कही जा रही है। तो एम इज टू डाउन रेगुलेट द वायरस विद रैपिड मास एंड रिपीटेड वैक्सीनेशन। रिपीटेड वैक्सीनेशन की बात की गई यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप अभी 2 डोज लगा देंगे तो हो जाएगा, बाद में आपको फिर जो है सीजनल तरह से फिर आपको एक बूस्टर डोज या दूसरा फिर से आपको जो वैक्सीनेशन करवाना होगा। वी विल हैव टू रिपीट दिस सर्कुलर एक्सरसाइज एवरी सीजन, हर सीजन में हमें ये करना होगा, जैसे फ्लू के केस में विद अपडेटेड एंड री इंजीनियर बूस्टर वैक्सीन। तो क्योंकि वायरस का भी वेरिएंट चेंज हो रहा है, तो हमें वैक्सीन को भी ट्वीक करके बूस्टर डोज देने की जरूरत है। तो अभी अगर हम इतना लेट करेंगे तो नेक्स्ट जो वैक्सीनेशन हम कैसे कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट को फ्यूचरिस्टिक सोचना होगा कि हमें जो है इसको आगे भी वैक्सीनेट लोगों को कराना होगा, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो ऑल वैक्सीन, सारा वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव नहीं है, हाई एफिकेसी जो है वैसी वैक्सीन को हमें देखना होगा, और एबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, साथ ही साथ हमें वैक्सीन कैसे चूज करना है, तो एफिकेसी हाई होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरर की एबिलिटी होनी चाहिए कि क्विकली वो उस वैक्सीन को री इंजीनियर कर सके, उसको चेंज कर सके अगर वो नया वेरियंट आता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें वैक्सीन में देखने की जरूरत है, उसी वैक्सीन को हमें वैक्सीनेट कराने की, वैक्सीन वाली आप कह सकते हैं क्वालिटी जो है ये होनी चाहिए कि एक तो एफिकेसी अच्छी होनी चाहिए और उसको हम आसानी से री इंजीनियर कर सके, ताकि जो है अगर कोई नया वेरियंट आए तो उससे अगेंस्ट वो लड़ सके वैक्सीन। यहाँ पे इन्होंने 2 वैक्सीन की बात की, जैसे रशियन स्पुतनिक वी और चाइना का सिनोफार्म वैक्सीन। तो ये अभी यूरोपीय में रिव्यू हो रहा है, इसका अभी अप्रूवल नहीं मिला, WHO ने सिनोफार्म को अप्रूवल दे दिया है, कोवैक्सीन अभी उसमें कतार में है और स्पुतनिक वी को भी मिल सकता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन क्लिनिकल डेटा प्रोटोकॉल्स। तो ये इन्होंने कहा है कि एब्सेंस है, क्लिनिकल डेटा सही तरीके से नहीं बताए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये सब चीज़ों को हमें देखना होगा। वैक्सीन, वैसी वैक्सीन को हम अप्रूव ना करें, हमें जो वैक्सीन अप्रूव करनी है वो इस कंडीशन पे करनी है। तो उन्होंने बताया है, उन्होंने सचल्स का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। बेसिकली क्या है, तकरीबन 60% ऑफ पॉपुलेशन इसका तो फुली वैक्सीनेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी एक सर्ज ऑफ वायरस वहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये दिखाता है कि वैक्सीन इफिकेसी और सही वैक्सीन स्ट्रेन को देखते हुए हमें वैक्सीनेट को चेंज करने की जरूरत है। तो ट्रांसपेरेंसी इन क्लिनिकल डेटा इंक्लूडिंग पोस्ट वैक्सीन रोल आउट एनालिसिस इज मैंडेटरी। तो पोस्ट वैक्सीन के बाद भी हमें उसको डेटा को एनालिसिस करते रहना है कि कैसा वो वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है और उसमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हम वैक्सीन रोल आउट कर दिया बस हम शांत बैठ जाए, तो पोस्ट वैक्सीन को भी हमें देखने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने सेजल्स का एग्जाम्पल दिया है। विदाउट इन्वेंशन ऑफ सेंट्रल वैक्सीन एजेंसी मैनेज बाय एक्सपर्ट टू गवर्न द परचेज प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन सेंट्रली। ये उनका सेंट्रल वैक्सीन एजेंसी जैसे होनी चाहिए, सेंट्रली प्रोक्योरमेंट होना चाहिए और प्रोडक्शन सेंट्रली होना चाहिए बेसिकली, और उसको स्टेट को दिया जाना चाहिए वैक्सीन को। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैक्सीन डिवाइड भी हम देख सकते हैं, जैसे कि रूरल अर्बन डिवाइड है, रिच पुअर डिवाइड है, तो इसको हमें बेसिकली सेंटर को देखना चाहिए कि हर जगह वैक्सीन पहुंचे और लोगों को मिले। तो बेसिकली वैक्सीन पॉलिसी को, वैक्सीन का कैसे हम च्वाइस कर सकते हैं उसके लिए।
नेक्स्ट आपका एडिटोरियल इंटरप्रेटिंग डेथ इन चेन्नई। ये बेसिकली जो है डेथ, जैसे अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे, गुजरात का हमने कल देखा था, यहाँ पे इन्होंने चेन्नई को इंटरप्रेट किया है कि चेन्नई में जो डेथ ऑफिशियल डेटा जो है वो काफी कम है कंपेयर टू जो डेटा उन्होंने क्रीमेशन ग्राउंड या म्यूनिसिपल अथॉरिटी से लिया है। तो ये बताता है बेसिकली कि हम जो है जो रिपोर्टेड फिगर है वो काफी कम है कंपेयर टू जो एग्जैक्ट डेथ्स हुए हैं, स्पेशली कोविड से लेकर के। तो एक्सेस मोर्टेलिटी बेसिकली उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी से जो है डेथ रिकॉर्ड लिया, और पिछले 5 साल का, 5 मोस्ट रिसेंट प्री पेंडेमिक ईयर 15 से 19 का एवरेज कितना डेथ हुआ नॉर्मली, उसको लेकर के कंपेयर किया कि कितना डेथ जो है 2020 में और 2021 में अभी तक में देखा गया है। एक्सेस जो डेथ मतलब एवरेज से ज्यादा जो डेथ हो रहे हैं उसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कि हो सकता है उसमें ज्यादातर डेथ जो है कोविड के कारण हो, जो कि ऑफिशियल फिगर में नहीं है। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया यहाँ पर, वही चीज है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं जो हमने पहले देखा। एक्सेस मोर्टेलिटी का एक कंसेप्ट जो है हमने पहले भी देखा है कि भाई कितना, क्योंकि ऑफिशियल फिगर बहुत सारे कंट्रीज में, ऐसा नहीं इंडिया में, बहुत सारे कंट्रीज में जो ऑफिशियल फिगर सही नहीं है, रिजेक्ट नहीं आया, तो बहुत सारे कंट्रीज ने इस एस्टिमेट को यूज किया है। यूके एंड सम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूएसए लाइक न्यूयॉर्क सिटी रिपोर्ट्स बोथ कंफर्म्ड एंड सस्पेक्टेड और प्रोबेबल कोविड-19 डेथ। तो यहाँ पर दोनों चीज उन्होंने रिपोर्ट की है, एक तो कंफर्म जो पॉजिटिव रिपोर्ट आया उसके बाद डेथ हुआ, और सस्पेक्टेड केसेस को भी उन्होंने रिपोर्ट किया, कोविड-19 डेथ में कैटेगरी में डाला है। लेटर कैटेगरी मतलब पीपुल हु डू नॉट टेस्ट पॉजिटिव प्रायर टू डेथ। तो ऐसे लोगों का भी उन्होंने रिपोर्ट किया फिगर कि ये लोग भी हो सकते हैं कोविड-19 डेथ में, ऑफिशियली इन्होंने बताया है। इंडिया में ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ लोग बोले कि क्रिमेटोरियम से हम डेटा हमने लिया है, तो वो भी सही नहीं बेसिकली, कि बहुत सारे जगह जो है इन सम सिटी फ्यू क्रिमेटोरिया कैरिंग आउट ऑल कोविड क्रिमेशन हो रहे हैं वहां पर, तो इंक्रीज इन क्रिमेशन के कारण डेटा भी उतना उठा नहीं पा रहे हैं, तो ये सब बेसिकली दिक्कत है। तो हमें जो है सस्पेक्टेड केसेस का भी डेटा ऑफिशियली बताना चाहिए गवर्नमेंट को। इनएडिक्वेसी इन ऑफिशियल डेटा एंड लूपहोल्स इन नोवल सोर्सेज, इसके कारण बेसिकली सही रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज पब्लिश अपडेटेड डेटा ऑन द यूजुअल एंड करंट मोर्टेलिटी। तो ये बेसिकली बाकी देशों ने अब डेटा अपडेट किया बाद में कि यूजुअली कितना उनका मोर्टेलिटी होता है पिछले सालों में और करंट मोर्टेलिटी उनकी कितनी हुई है, ताकि लोग एस्टिमेट कर पाए कि भाई कोविड से ज्यादा के कारण ज्यादा मौतें हुई हैं। कुछ केसेज रिपोर्टेड होंगे, कंफर्म केसेज होंगे, कुछ सस्पेक्टेड केसेज होंगे, तो ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बताता है एक तरह से। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, इंडिया हैव नॉट पब्लिश मोर्टेलिटी स्टेटिस्टिक्स सिंस 2018, तो जो 2018 से हमने कोई भी मोर्टेलिटी स्टेटिस्टिक्स पब्लिश नहीं किया है, तो डेटा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। बेसिकली यही है इसमें कि डेटा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आप इसको हेल्प कर सके कि कितना डेथ हो रहा है, किससे हो रहा है, तो उसको हम सही से एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, स्ट्रिक्ट स्टिल ग्रैपलिंग विद ऑनलाइन क्लासेस। तो ये बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, उसका इन्होंने बताया कि ये क्या इश्यूज है स्टेट यूनिवर्सिटीज के कारण, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेज के केस में क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो पहला तो गवर्नमेंट स्पेंड मियरली 3.2% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन इन 2020-21, तो बहुत कम एक्सपेंडिचर हो रहा है एजुकेशन पे, जिसके कारण फंड्स अवेलेबल नहीं है स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटीज के पास। तो गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन किया था कि भाई ओवरनाइट इन्होंने कर दिया कि आप जो है ऑनलाइन टीचिंग पे शिफ्ट कीजिए विदाउट टेकिंग कॉग्निशन ऑफ चेंजेस नीडेड, क्योंकि ऑनलाइन के लिए आपको जो है बहुत सारे चेंजेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस चाहिए, ट्रेनिंग देनी होगी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप बिना देखे हुए ओवरनाइट आपने जो है ये ऑर्डर रिलीज कर दिया। जो बड़े इंस्टीट्यूट है, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पास फंड था, टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, इन्होंने लॉन्च कर दिया वीडियो चैनल्स अपलोडेड कॉन्टेंट। बट स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है मेजोरिटी ऑफ विदाउट प्रॉपर इंडियन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ, इनके लिए इशूज है। ओवरबर्डन टीचर्स ऑलरेडी है, फैकल्टी पोजिशन ऑलरेडी खाली थी, बेसिकली इशूज बताया जा रहा है, डिफिकल्टीज क्या क्या, प्रॉब्लम क्या क्या है स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ। तो एक तो ओवरबर्डन टीचर है, फैकल्टी पोजीशन बहुत सारी खाली है, एक टीचर जो है बहुत सारे क्लासेस ले रहे हैं, किसी किसी डिपार्टमेंट में एक ही टीचर है, एक ही फैकल्टी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी शॉक था, क्योंकि लैक द फैसिलिटी अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है रूरल एरिया में, तो वो दिक्कतें हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग टू ऑनलाइन क्लासरूम नीड्स टू बी डन इन फेज मैनर, इसे फेज मैनर में करना चाहिए। पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप करना है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर,
हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट बैंडविड्थ होना चाहिए, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग देना उनको, ये सारी चीजें को पहले हमें देखना चाहिए था, डेवलप करना चाहिए, तब हमने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव कर सकते थे सही तरीके से। वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत थी गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में। स्टेक होल्डर मतलब जैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई। इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी भी लो है, तो कैसे उसको आप एक्सेस करेंगे? तो फाइनेंशियल एड्स गवर्नमेंट को देना चाहिए यूनिवर्सिटीज को, ताकि वो जो है नेसेसरी टूल्स चाहिए, प्लेटफॉर्म्स चाहिए, डिवाइसेस, ट्रेनिंग, ये सब दे सके। तो फंड्स गवर्नमेंट को देना चाहिए। और इसके अलावा जो कि कुछ स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन कंटेंट। जिनके पास नहीं है, तो ये एक तरह से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, जैसा कि हमने पहले भी देखा, डिजिटल डिवाइड। तो इससे जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है, आप हैम्पर कर रहे हैं। जो जिनके पास ये एक्सेस है वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, जिनके पास एक्सेस नहीं है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये इस चीजों को गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि ये डिजिटल डिवाइड क्रिएट ना हो, जो लेस प्रिविलेज स्टूडेंट है उनके लिए एक दिक्कत का सबब नहीं बन जाए। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल्स, तो स्टडी मटेरियल्स को भी आपको प्रिपेयर करना ऑनलाइन के लिए। ऐसा नहीं कि बस अपने स्कैन लेक्चर नोट्स या पीपीटी डाल दिया, उससे नहीं होगा बेसिकली। और थिंकिंग उस हिसाब से आपको जो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, उस हिसाब से आपको जो है मटेरियल भी डिजाइन करने की जरूरत है, जिसके लिए टाइम चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जो गवर्नमेंट ने नहीं दिया। प्रैक्टिकल के लिए ऑनलाइन एजुकेशन कुड प्रूव टू बी डिजास्टर। तो इसमें बेसिकली क्या सजेशन दिया है, तो पहली बात तो फंडिंग जरूरत है, इन्वेस्टिंग जेनरसली इन ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था। उसके लिए क्या गवर्नमेंट को करना है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, डीटीएच कंटेंट डेवलपर, डिजिटल क्लासरूम्स और प्रोविजन ऑफ डिवाइसेज एंड लैपटॉप टू 425 लाख स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो इनकी ये गवर्नमेंट को करने की जरूरत है बेसिकली, कि कोर्सेज हम ज्यादा अपलोड करें और ऑनलाइन कोर्सेज हो, डीटीएच कंटेंट हम दें, डिजिटल क्लासरूम का कंसेप्ट लाए, और जो लैपटॉप से मोबाइल फोन जो टैबलेट लोगों के पास नहीं है, स्पेशली सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास, उसको हम ये सामान मुहैया कराए, आईटी टूल्स जो दिया जाए, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस को ठीक से पढ़ सके, समझ सके और देख सके। ये है डेटा पॉइंट आपका, बेसिकली एडिटोरियल्स में ही रहता है आपका। ये दिखा रहा है कि कैसे जो अलग अलग देश जो कितना अपना वैक्सीनेशन रेशियो है, तो ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो वेल्दी नेशंस है वहां पर वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ है। ऑलमोस्ट ओवर 84% ऑफ देम हैव एडमिनिस्टर्ड इन हाई इनकम एंड अपर इन मिडिल इनकम। तो वेल्दियर कंट्री में ज्यादा देखा गया है, वाइल ओनली 0.3% ऑफ देम हैव बीन गिवन इन लोअर इनकम कंट्रीज। तो ये जो है डिफरेंस बताता है, ग्लोबली डिस्पैरिटी बताता है वैक्सीन को लेकर के। तो इसी चीज को आप कोट कर सकते हैं बेसिकली, वर्ल्ड वाइड जो डिस्पैरिटी है वैक्सीन को लेकर के, यहाँ आप देख सकते हैं वेल्दियर कंट्रीज में, जैसे इसराइल में, यूके में, कितना नंबर ऑफ डोज एडमिशन पर 100 पीपल तो अच्छा है यहाँ पर, और जो लेसर डेवलप्ड कंट्रीज है बेसिकली वहां पर कम देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली ग्राफ है बेसिकली, तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्पेरिटी दिखाता है इकोनॉमिकली, कैसे उस वो इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक डिस्पेरिटी वैक्सीनेशन को केस में भी। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, सीजीआई मेड स्टेटमेंट ऑफ लॉ एट सीबीआई पैनल। तो ये बेसिकली जो है सीबीआई डायरेक्टर के जो अपॉइंटमेंट के लिए कमिटी होती है 3 मेंबर की, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो इन्होंने कल बेसिकली मीटिंग हुई थी, जिसमें कि कुछ है ना यहाँ पे बताया गया था चीजें की तरफ से, कि क्या जो है लीगल चीजें हैं उसको आपको जानने की जरूरत है, कि डीजीपी या जो पुलिस सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या रूल्स जो हैं। एक तो 6 मंथ मिनिमम टेनर होना चाहिए जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं, उसका कम से कम 6 महीने का सर्विस बची होनी चाहिए। ये उसके अलावा ये बेसिकली प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के लिए कहा था, और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था सीबीआई डायरेक्टर के लिए भी। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स विद ओनली फ्यू डेज, इसकी क्यों ऐसा होना चाहिए, तो जो विद ऑफिसर्स विद फ्यू डेज ऑफ सर्विस मे बी इन द इनसिक्योर स्टेट ऑफ माइंड, तो उनका माइंड सही नहीं होगा, तो इसलिए आप उसको अपॉइंट ना करें। प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रेस द पॉइंट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी शुड बी प्योरली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट बेसिस होना चाहिए, एंड टू इंसुलेट द ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड प्रेशर्स। तो ये पुलिस रिफॉर्म्स का एक प्रकाश सिंह केस काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के था। कुछ पॉइंट्स गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि पुलिस अपॉइंटमेंट्स में क्या गवर्नमेंट को करने की जरूरत है। तो बेसिकली वो स्टेट डीजीपी या स्टेट अपॉइंटमेंट के लिए था, बाद में सीबीआई डायरेक्टर के लिए भी इन्होंने कुछ कुछ उसको एक्सटेंड किया था, सीबीआई डायरेक्टर के केस में भी एप्लीकेबल किया था। तो पुलिस रिफॉर्म्स की जब भी बात आती है, तो उसमें आप इस केस का आंसर में इस केस का जरूर आप उसमें
मेंशन करके और क्या क्या गवर्नमेंट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था। तो 6 महीने का क्यों होना चाहिए ये समझ लिया आपने, और सीबीआई का भी बताया इन्होंने कि क्या क्या उसका अथॉरिटी है। तो उस डायरेक्टर जो होल्ड डायरेक्टर जिनको बनाया जाता है उनका जो 2 साल से कम का टेन्योर नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में कहा था। ही और सी मे नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द हाई लेवल कमिटी। जो हाई लेवल कमिटी है जो ये जिस जो अपॉइंट करती है उसके कंसेंट के बिना जो है आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, और इनका 2 साल का टेन्योर होगा। तो जो भी अपॉइंट होता है उसका 2 साल का फिक्स टेन्योर होता है सीबीआई डायरेक्टर का। और इसके बाद ये जो बेसिकली 4 बैचेज को यहाँ पे देखा जाता है, सीनियर मोस्ट 4 बैचेज इन सर्विस। तो जो सीनियर मोस्ट 4 बैचेज है सर्विस में, उन्हीं में से जो है कुछ आप ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे जो सीबीआई डायरेक्टर हो सकता है, ऐसा नहीं आप जूनियर ऑफिसर को नहीं बना सकते हैं। तो ये बेसिकली रूल्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में अपना दिया है सीबीआई डायरेक्टर को कि अपॉइंटमेंट के लिए बेसिकली पुलिस रिफॉर्म्स और सीबीआई को कैसे स्ट्रांग किया जाए। तो ये जो अपॉइंटमेंट हो भी गया कल ट्यूजडे नाइट को, बेसिकली गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस ऑफिसर 1985 बैच के सब सुबोध कुमार जायसवाल को, इनको सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अभी जो ये डीजी हैं आपके सीआईएसएफ के, तो इनको अब सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया, 2 साल का इनका टेन्योर होगा। पैनल टू डिफाइन ऑफेंसेज ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बेसिकली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एक पैनल बनाया है टू सजेस्ट रिफॉर्म्स टू द ब्रिटिश एरा इंडियन पिनल कोड आईपीसी में चेंजेस करने के लिए, टू लाइकली टू प्रपोज सेपरेट सेक्शन ऑन ऑफेंसेज रिलेटेड टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर हेट स्पीच की बातें आती है तो उस पर एक सेपरेट सेक्शन भी ये शायद इस कमिटी जो है पैनल जो है सजेस्ट कर सकता है। और ये बेसिकली जो पूरी तरह से पैनल बनाया गया है वो आईपीसी को एससीआरपीसी को जो कैसे तरह से हम जैसे चेंज करें ओवरऑल करने के लिए ये पैनल बनाया गया रिकमेंडेशन के लिए। हेट स्पीचेज जो है आईपीसी में उसका कोई क्लियर डिफिनेशन नहीं है, तो इसको बेसिकली पहली टाइम अटेम्प्ट किया जा रहा है कि इसको डिफाइन करें इस टर्म को हेट स्पीच को, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। तो ये सब बताया गया है। साइबर हैरेसमेंट केस में कहा जाता था हेट स्पीच का डिफिनेशन एक आया था, लैंग्वेज दैट डिनिग्रेट्स इंसल्ट्स थ्रेटन्स और टारगेट्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी और एंड अदर ट्रेड्स जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिजिबिलिटी और रिलीजन। किसी इस बेसिस पर किसी को आप इंसल्ट करना, थ्रेट करना, टारगेट करना, उसे हम हेट स्पीच कह सकते हैं। तो इसको एक डिफाइंड एक डिफिनेशन जो है क्लियर डिफिनेशन इसमें लाने की कोशिश होगी, ताकि जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट आपका म्यूकोरमाइकोसिस अवॉइड डैम डस्टी प्लेसेज, ये उसी डिजीज को लेकर के, इसका एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि आप जो अगर ठीक होते हैं स्टेरॉइड आपने लिया है कोविड के समय में, तो तकरीबन 4 हफ्ते तक स्टेरॉइड का इफेक्ट रहता है। तो इन समय 4 हफ्तों के लिए आप थोड़ा सजग रहें, आप बेसिकली जो डस्टी और डैम प्लेस पे ना जाए। अगर फिर भी आप जाना है आपको अगर होता है तो आप 3-ply मास्क लगाए, ग्लव्स पहने और फुल्ली कवर्ड लेग्स एंड आर्म्स। ये बेसिकली आपके प्रिकॉशन के लिए मैंने रखा है इसमें, कि अगर ऐसा कोई है जानकारी आपके आपके रिलेशन में कहीं पर भी, तो उसको आप ये सजेस्ट करें कि आप जो है 4 हफ्ते तक अगर स्टेरॉइड ट्रीटमेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो आप 4 हफ्ते तक डस्टी डैम प्लेसेस को अवॉइड करें, और अगर है जाना है आपको तो ये चीजें को आप पहन के जाए। ऑक्सीजन मास्क और कैनुला स्टाइल आप जो ले रहे हैं बेसिकली ऑक्सीजन मास्क, उसको आप स्टाइल करते रहें। वाटर जिसको आप यूज कर रहे हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, उसको भी आप देखें कंटामिनेशन कुछ ना हो उसमें। ये सब बेसिकली बताया गया इसमें। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू एनालिसिस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर आप इसको लाइक कर सकते हैं या शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। आप सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे जो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।